सर्कल तो हम लोगों ने बहुत ड्रॉ किया होगा, लेकिन इसी सर्कल के थ्रू हम लोग ड्राइंग करने वाले हैं। तो यहाँ पे 3 सर्कल मैंने ड्रॉ किया और उसके सेंटर में भी मैंने ड्रॉ किया सर्कल। अब क्या करना है कि हमें ड्रॉ करना है फ्लावर, तो जितने पेटल्स चाहिए ना तो उतने लाइंस हम लोगों ने यहाँ पे बना लिए, और उसके साइड से हम लोग बनाने वाले पेटल्स, मीन्स की जो हमारा जो सेंटर लाइन है उसके सराउंडिंग में हम लोग को बना लेना है पेटल्स। और सर्कल बनाने से हेल्प क्या हुआ हम लोग को कि हमें एक बाउंड्री मिल गई कि जो फ्लावर का जो रेंज है ना इसके अंदर होना चाहिए। अगर ये रेंज नहीं होता है ना तो क्या होता है ना कि कुछ पेटल्स बड़े कुछ छोटे, ये इशू बहुत ज़्यादा होता है स्पेशली बिगनर्स के लिए। तो ये जो टेक्निक है ना आप उसको हेल्प कीजिए। और ये जो मैं बना रहा हूँ ये फ्रंट, मतलब आप कह रहे हो ना कि जहाँ पे पेटल्स सब कुछ दिखता है, क्लियर दिखता है, यानी कि वो कहते हैं टॉप व्यू, तो टॉप व्यू से हम लोग फ्लावर का बना रहे हैं। तो जब भी हमें जो एंगल चेंज करना होगा तो हम सर्कल का भी एंगल चेंज करते हैं, जैसे सर्कल होता है वो ओवल शेप में हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक करके हम लोगों ने यहाँ पे बना लिया, और थोड़ा ना शेप और जो ट्रांजिशन है ना उसको थोड़ा डिफरेंट रखेंगे, मतलब हर चीज़ों को ना सेम नहीं ड्रॉ करना है। एक एक पेटल जो है ना, हर पेटल जो होता है ना एकदम शार्प नहीं हो जाए, थोड़ा नेचुरल लुक देने के लिए हम लोगों को ना थोड़ा वेरिएशन देना पड़ेगा, थोड़ा और ज़्यादा उसको चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि जितने भी हम लोगों ने सर्कल बनाए थे, जो रेफरेंस लाइन था बाउंड्री लाइन्स थी उसको हम लोगों ने कर दिया इरेज, अब हो गया क्लीन। अब हमें बनाना है स्टेम, तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक करके आपको स्टेम बनाना है। जितने भी फ्लावर्स हैं ना वो कनेक्टेड होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि जो फ्लावर है वो फ्लोटिंग हो रहा है एयर में है, ऐसा कुछ नहीं करना है, आपको लॉजिकल भी ड्रॉ करना है। और यहाँ पे देख रहे हो कि लीव्स, तो लीव्स भी हम लोगों ने ड्रॉ किया, और कली जो होता है ना वो भी हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ फ्लावर है वहाँ पे तो छोटे लीव्स होंगे ही, वहाँ पे छोटे फ्लावर्स होंगे ही। तो ये सब जो होता है ना एक कंप्लीट इमेज को, जो हम भी हम फोटोग्राफ जो हम देखते हैं या फिर हम बनाते हैं, तो हर चीज़ों का वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है, और ये लॉजिकल भी होना चाहिए। देखो अगर आप रेफरेंस लेके बनाते हो ना तो आप लॉजिकली करेक्ट होते हो, क्योंकि आप रियल रेफरेंस लेते हो जो एग्जिस्ट करती हैं वर्ल्ड में। तो आप पहले रेफरेंस लिया करो, उसके बाद जब आपको ये टेक्निक पता चल गया कि आपने सर्कल से फ्लावर भी बना सकते हो, तो ये सब, और लीव तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बता दिया। अगर आपको नहीं पता है तो आई बटन पर जो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में, तो वहाँ पर जाके आप टेक्निक जो है ना आप सीख सकते हैं लीफ बनाने का या फ्लावर बनाने के, और भी बहुत बेसिक मैंने बताए अलग अलग एंगल में बताए, तो वहाँ पे भी आप जाके देख सकते हो। और यहाँ पे देख लो एक एक करके मैंने यहाँ पे बना लिए। और इसके साथ साथ अगर आपको स्लो वर्जन वीडियोस चाहिए ना और भी डिटेल में, तो आप जाके ज्वाइन भी कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको टेक्निक बता दूंगा कि कहाँ से, और प्रोसेस बता दूंगा कि कहाँ से कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ना कि एक एक लीव्स भी है ना वो भी ड्रॉ करो, और लीव्स भी ना डायनामिक है, ऐसा नहीं है कि वो सिंपल सा एक लीव बना दिए, उसमें भी आपको ना एंगल चेंज होते हैं। फ्लावर चलो एक एंगल में रह सकता है, क्योंकि सन का डायरेक्शन जहाँ पे होता है फ्लावर जो होता है ना उसका जो मुड़ाव झुकाव सब उस तरफ हो जाता है, लेकिन लीव्स जो होते हैं ना वो डायनामिक होते हैं, हर तरफ से निकलते हैं, तो एंगल भी हमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हो, या फिर रेफरेंस में जैसा है ना वो। और पहले या दूसरे ट्राई में अगर परफेक्ट नहीं बनता है तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि आप उसको मूव ऑन कर जाओ या छोड़ दो, आपको ना वो ट्राई करना है, वापस से ट्राई करो, हर एक टर्म में हर एक बार में वो आपका अच्छा होता जाएगा, इम्प्रूव करता जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा ना कि आपको ना रेफरेंस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको पता है स्पॉट पता है, आप सर्कल बना लोगे जहाँ जहाँ पे आपको ब्लॉकिंग कर दोगे उसको, एग्जैक्टली ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है कि आप जब सर्कल बना लेते हो तो एक ब्लॉक हो जाता है कि यहाँ पे ही फ्लावर आने वाला है, और उसके बाद से स्टेम बना के और लीफ को आप बना सकते हो, वेरिएशन दे सकते हो। तो यहाँ पे एक एक कली जो है वो मैंने बना लिया, तो यहाँ पे देख रहे हो कि एक एक करके हम लोग यहाँ पे बनाते जा रहे हैं, और कहीं कहीं ना वेट जो है ना आपको बराबर रखना है, बैलेंस रखना है, कहीं पर ज़्यादा नहीं रखना है, लॉजिकल भी जाना है, क्योंकि जो स्टेम होता है ना वो बहुत ज़्यादा वेट नहीं लेगा, और नेचर ऐसा होता है ना कि किसी एक जो स्टेम पे बहुत ज़्यादा वेट नहीं जाता है, पत्तियाँ उतनी ही निकलती हैं जितना निकल सकती हैं, तो ये नेचर है, और ये नेचर को हमें मेंटेन करना पड़ेगा,
बैलेंस रखना पड़ेगा। जो आप स्क्रीन भी देख रहे हो तो हर जगह अभी आपको बैलेंस दिख रहा है, आउटलाइन हम लोगों ने कर लिया है। शेडिंग की बारी है, तो शेडिंग का एक मैंने आपको हल्के से स्ट्रोक्स बताए, और ये स्ट्रोक बता के मैं आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल मैंने बनाए हैं जहाँ पे शेडिंग टेक्निक मैंने आपको बताया। जैसे यहाँ पे ये जो प्रीवियस जो हमारा जो देख रहे हो ना कि हम लोगों ने फ्लावर बनाया, तो वहाँ पे कुछ ऐसे बनाया था। और भी बहुत सारे टेक्निक हैं जो आप आई बटन में जाके देख सकते हो और सीख सकते हो। तो अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।